हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? मुझे सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पता ही है, आज के दिन अपने देश में, भारत में लोहड़ी मनाई जाती है। और इस दिन क्या होता है कि जो यह जो सर्दी का मौसम है, मतलब इस दिन से माना जाता है कि सर्दियां खत्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं और गर्मी आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि मौसम चेंज हो जाता है। तो बाकी पुर्तगाल में तो मे भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इंडिया में ही है। तो अभी मैं उठ चुका हूँ, पूजा पाजा पूजा पाठ करके अब देखते हैं, अब करते हैं खाने पीने की तैयारी। पूजा मैंने कर ली है तो अब करते हैं खाने की तैयारी, देखते हैं क्या बनाना है। पहले तो पीते हैं सेक, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको बाद में, पहले बना लेते हैं सेक वगैरह, फिर खाना वाना बनाएंगे, फिर वो दिखाएंगे। अभी पहले सेक बना लेते हैं, केलेगा तो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस, मैंने बना लिया है शेक, और ये 2 गिलास में करण और सादो के लिए। बस इसमें उन्होंने कुछ नहीं करना, दूध डाल के अपना अपने अकॉर्डिंग जितना उन्होंने बनाना है। ये फिलहाल इसमें केले केले का पेस्ट है, और मैंने अपना बना लिया। और मैंने डाली थोड़ी आइसक्रीम चॉकलेट। तो पीते हैं इसको, फिर मिलते हैं बाद में, रोटी बनाएंगे। तो गाइस, फाइनली सुबह उठ के खाना खुना खा के अब हम कर रहे हैं रेस्ट। तो अब करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, और करते हैं घर पे बातचीत, अपना थोड़ा लोहड़ी की बधाइयाँ वधाइयाँ दे देते हैं। तो उसके बाद फिर मिलते हैं आपको शाम को, फिलहाल करते हैं रेस्ट। तो शाम को मिलते हैं। तो गाइस, अभी शाम को उठने के बाद अभी मैं और सलू जा रहे हैं अपना एलडी में कुछ सामान लेने। बाकी करण तो फिलहाल गया हुआ है कटिंग करवाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं एलडी में, और फिर आते हैं वहाँ से कुछ सामान लेके, फिर आके देखते हैं क्या करना है, क्या बनाना है क्या नहीं। तो गाइस, हम निकल चुके हैं घर से एलडी की तरफ। बाकी आज यहाँ पे भी मतलब कि बारिश तो हो रही है, हल्की फुल्की, मेरे के नीचे एक दो बूंदें गिर रही होंगी फिलहाल, बट गर्मी बिल्कुल है, ठंड नहीं है बिल्कुल भी। तो अब आपको मिलते हैं सीधा एलडी में पहुंच गए। यहाँ भी वैसे ही मौसम हो रखा है गर्मी वाला। तो कहते हम पहुंच चुके हैं एलडी में, और अब यहाँ से लेंगे कुछ सामान। तो सामान लेके बाद में मिलते हैं आपको। तो कहते हम पहुंच चुके हैं घर पे, देखते हैं करते अपने पीने की तैयारी, ठीक है। बाकी जाते हुए थोड़ी सी गोभियां तो मैं काट के चला गया था, गोभी के फूल तो वो कटी थी मैंने, ये पड़ी है, ठीक है। बाकी अब देखते हैं पकौड़े बनाने हैं या सब्जी बनानी है, जो भी करना है। अभी करना आ जाता है तो देखते हैं क्या करना है, तो मिलते हैं आपको बाद में ही। तो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं लोहड़ी के उपलक्ष्य में पकौड़े। गोभी, आलू और प्याज के तेल भी रख दिया है, गोभी रख दिए हैं, कड़ा कड़ा मसाला तैयार बेसन का। बाकी ये आलू प्याज आलू काट रहा है, बाकी मेरे अभी छीले थे। उसके बाद मैं गुन बनाऊँ, गुनूंगा फिर आटा, फिर आटा गुनू बनाएंगे रोटी। पहले हम खाएंगे अपना पकौड़े, ठीक है। तो पहले बनाते हैं पकौड़े। अरे बंदा, तो गाइस पकौड़े वगैरह बन के हो चुके हैं तैयार, गोभी के और ये अपना आलू प्याज के। गाइस, पकौड़े वगैरह खाने के बाद अब हम बना रहे हैं रोटी। तो अब बनाते हैं रोटी, उसके फिर मिलते हैं खाना खुना खाने के बाद। तो फाइनली गाइस, खाना खुना खाने के बाद, ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपना बेड पे, और अब थोड़ा सा करते हैं रेस्ट, और अब मिलते हैं आपको कल किसान दार वीडियो के साथ। क्या? तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर, एंड लोहड़ी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।